आर्ट पेंटिंग का पहला क्वेश्चन हो चुका है, बेसिक मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर टू है, टू में लिखा हुआ है कमला ब्राउड, कमला ने लोन लिया 26,400 रुपये फ्रॉम ए बैंक, बाई स्कूटर परचेज करने के लिए लोन लिया है बैंक से, और ये दे रखा है रेट पर एनम और कंपाउंड इंटरेस्ट है, और व्हाट अमाउंट विल बी पे एट द 2 ईयर एंड 4 मंथ। तो 4 साल, 2 साल और 4 महीने बाद कितना लोन पेमेंट करना है। तो आपको टाइम भी दे रखा है, रेट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट फाइंड करना है। सबसे पहले अभी आपके प्रिंसिपल मतलब कितना आपने उधार लिया है, तो वो है आपके 26,400 रुपये। फिर है आपके लिए रेट, रेट जो है वो दे रखी है आपके 15% पर एनम, 1 साल के लिए 15% लगेगा, और टाइम जो है वो दे रखा है आपके 2 ईयर एंड 4 मंथ दे रखा है। तो पहला काम आपका यही है कि पूरा ईयर में होना चाहिए, मंथ में नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि भाई 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ, हम क्या करेंगे इसके अंदर 12 मंथ का डिवाइड लगा देंगे, तो टाइम हो जाएगा आपके 2, और यहाँ पर ये जो टाइम है ना वो 4.12 का मतलब होता है 1/3 ईयर, मंथ में मंथ कट जाएगा तो आपके ईयर बच जाएगा, और टाइम आपके ये आ चुका है 2 1/3 ईयर। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको ईयरली ही पेड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है तो आपको टाइम को हाफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लेते हैं अमाउंट फाइंड करना, तो फॉर्मूला हो जाएगा कितना पेमेंट उसने दिया वापस से, कितने में क्लियर किया, तो फॉर्मूला हो जाएगा P × 1 + R/100 की पावर T, या इन कह सकते हो। तो हमने उधार लिया है 26,400 रुपये, और 1 + R जो है वो है 15 अपॉन, और टाइम जो है वो दे रखा आपके 2 1/3। इसको सही ढंग से लिखना पड़ेगा आपको, इस 2 को अलग लिखना है और इसको आपको अलग लिखना है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, लाइन मत खींचना आप। तो ये हो गया 26,400, 1 + 15 upon 100 की पावर कितनी हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, 1 + अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब 2 तो हमें पूरा रखना है, अब पीछे दे रखा 1/3 दे रखा है, हमें क्या करना है यहाँ पर 1 लिख देना है। अब वो 3 कहाँ जाएगा, तो ऐसे करना पड़ेगा, ये जो 15 दे रखा है यहाँ लिखना है, और पीछे दे रहा 1/3, ऐसे 1/3 करना है, 3 में जाता है 15 का भाग कितने में जाता है आपके 5 बार, यस। मतलब ये 1 जो है ना वो ऊपर लिख देना है, बाकी का जो 3 है ना इसमें डिवाइड कर देना, 3 का भाग 15 में जाएगा आपके 5 बार, ऐसे करना है। फिर है हम गुणा भाग करना है, 26,400 × 115/100 × 115/100 इंटू, यहाँ पर 1 है तो ये 1 बार लिखना है आपको 105/100, ये 100 तो ये भी 100। अब कटे जो काट दो, जैसे दोनों में ही 5 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ 20 टाइम और यहाँ पर जा रहा है आपके 23 टाइम 23 टाइम और 20 टाइम 21 टाइम एंड 20 टाइम, तो 20 से 20 क्या हो गए भाई आपके कैंसिल हो गए। अब ये हो जाएगा 264 × 23 को 23 से गुणा करने पर आता है 529, फिर इंटू 21 करेंगे अपॉन 2 × 4 4 × 8 और 0 का 0, ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करना है और 80 का क्या करना है आपको डिवाइड करना है। जैसे आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है पॉइंटों में आएगा 36,659 पॉइंट, आपके हो जाएगा कितना 70 रुपये। इतना आपको वापस से लोन को पेमेंट करना पड़ेगा, पहले सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर थोड़ा हार्ड है। अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाबिना ब्राउज 12,500 एट 12% और 3 ईयर। देखो इसने पैसा उधार लिया है 12,500, रेट दे रखी है और टाइम दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट। राधा ने भी लोन लिया है सेम टाइम सेम है, लेकिन जो रेट है ना यहाँ पर रेट दे रखी है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर रेट कितना है ओनली 10% रेट है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसने तो लिया है 12% से और इसने 10%, यहाँ मिसप्रिंट छपा हुआ है, ये 10% है यहाँ पर, तो अब बताना तो कि दोनों में डिफरेंस
क्या आएगा ब्याज का, किसने ज़्यादा पेमेंट किया। पहले करते हैं फाबिना का। इसने अमाउंट उधार लिया है 12,500 रुपये और जो रेट है वो दे रखी है आपके 12% और जो टाइम दे रखा है वो है आपके 3 ईयर। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला आता है आपके पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आएगा 4,500 रुपये आएंगे। अब देखो ये तो है फाबिना का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है। आप चाहो तो इसमें आप अमाउंट भी निकाल सकते हो, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपने कितना उधार लिया था, आपने कितना ब्याज दिया, टोटल पेमेंट आपने 17,000 रुपये किया, कर सकते हो चाहो तो पूरा पेमेंट। अब ये तो है फाबिना का, दूसरा है राधा के लिए। राधा का सेम अमाउंट है 12,500 रुपये, रेट थोड़ी चेंज है, रेट यहाँ पर 10% है और टाइम जो है वो दे रखा है 3 ईयर। ये ऊपर था सिंपल इंटरेस्ट, जबकि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको अमाउंट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। प्रिंसिपल दे रखा है 12,500 और रेट दे रखी है 10/100 की पावर आ जाएगी 12,500 इंटू 110/100, 110/100 एंड 110/100, क्योंकि ये 100 है तो ये भी 100 कहलाएगा, 100 + 10 = 110। 20 से 20 कैंसिल, फिर ये 20 से ये 20 कैंसिल, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब आपको क्या करना है, 125 को मल्टीप्लाई करना है 11 × 11 × 11, वो होता है 1331। इनको करेंगे 121, स्क्वायर करेंगे 1331 हो जाएगा और यहाँ डिवाइड में आएगा 10। तो करो मल्टीप्लाई आपस में, 125 × 125, 125 × 3 = 375 और ये आ जाएगा 387। फिर ये आएगा 38 बच गया, फिर वापस से 375 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 3 और ये 0 + 1 = 413, फिर 3 आ जाएगा 41 बचेगा, 125 × 41 661। तो पॉइंट लगा तो 0 हट गया, पॉइंट लग जाएगा। अब इसने उधार दिया था तो वापस उसने 17,000 दिए, लेकिन इसने कितने दिए, इतने दिए, ज़्यादा कितने दिए, फेबिना ने ज़्यादा दिए। कितने ज़्यादा दिए वो भी बताना है, तो 17,000 में से हम माइनस कर देंगे 16,637.50 रुपये, पॉइंट 50 सही है, और 10 में से 9 में से 7 गए 2 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा आपके 6 और यहाँ आ जाएगा 3, 362.50 रुपये फेबिना ने ज़्यादा दिए, क्योंकि रेट वहाँ ज़्यादा था इसलिए ब्याज ज़्यादा लगा। अगर रेट सेम होता तो राजा का आंसर होता। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4th, आई बोरोड मतलब मैंने लोन लिया 12,000 का, किससे लिया है, जमशेद से लिया है, कैसे लिया, 6% रेट पर, कितने टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए और सिंपल इंटरेस्ट हैड आई बोरोड सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो कितना अमाउंट पे करना पड़ता। अगला है, अभी मैंने लोन लिया है 12,000, मैंने लोन लिया है जमशेद से लोन लिया है, प्रिंसिपल दे रखा है आपके 12,000, इतना रुपया आपने उधार लिया, रेट जो दे रखा है वो है 6% और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 2 ईयर। अब ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट से क्या ब्याज होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, कितने अमाउंट का डिफरेंस आपके आएगा। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में केवल अमाउंट पर ही ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो ज़्यादा ही आएगा अमाउंट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, 12,006 × 2/100, तो 120 × 12 हो जाएगा आप कितना, 144, ये ब्याज का हो गया। अगर आपको रिटर्न अमाउंट करना है, वापस अमाउंट पूरा देना है, तो 12,000 तो आपको देना ही पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा,
तो 12,000 प्लस आपको इंटरेस्ट का भी देना है, तो ये हो जाएगा आपके 13,440 रुपीज़। ये आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा वापस से। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, पे करना पड़ेगा। अब लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले अमाउंट ही डायरेक्ट फाइंड कर लो, अमाउंट ही। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 + R/100 की पावर t। प्रिंसिपल है जो वो दे रखा है आपके 12,000, 1 + रेट दे रखा है 6/100 की पावर 2। ये हो गया है 12,000, ये 100 तो ये भी 100, 100 + 6 106/100। ये कितनी बार है, दो बार है, तो दो बार लिए 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 12 × 106 × 106/10। अब जीरो हट गया और ये पॉइंट लगा। अब क्या करना है, सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। अब आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके 13,483.20 रुपीज़। अब तो यहाँ से अगर सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज समेत ये होता है और ये दोनों में फ़र्क है, तो डिफरेंस कितना आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, 13,483.20 - 13,440 रुपीज़। तो 20 तो है ही, और ये आ जाएगा आपके 3 और 4 43 रुपीज़ ब्याज जो है ना वो ज़्यादा बना है कंपाउंड। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000, 60,000 वो इन्वेस्ट करना चाहता है 12% के हिसाब से, कंपाउंड और हाफ ईयरली लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ हाफ ईयरली कंपाउंड देगा वो हाफ ईयरली देगा। तो आपको बताना है 6 महीने बाद कितना देना पड़ेगा और 1 साल बाद कितना मिलेगा। तो ये क्या करना है, आपको फाइंड करना है अलग अलग। वासुदेव है, उसको उधार कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दे रखा है आपके 60,000 और जो रेट दे रखी है वो कितनी है आपके 12% है। अब पता है कि जब भी हाफ ईयरली होता है तो क्या होता है, रेट को क्या करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है। अब टाइम यहाँ पर दो दो दे रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, तो दो दो बार दे रखा, ए में क्या लिखा हुआ है, टाइम कितना दे रखा है आपके, 6 मंथ का टाइम दे रखा है। तो पहला काम है आपको टाइम को बदलना है ईयर में, तो 12 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ईयर। और जब भी आपके जो होता है कि हाफ ईयरली जब लिखा होता है तो डेट को करना पड़ता है हाफ और टाइम को करना पड़ता है डबल, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आएगी 1 इंस्टॉलमेंट। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं अमाउंट। फॉर्मूला हो जाएगा P × 1 + R/100 की पावर t। 60,000 इंटू 1 + R दे रखिए 6/100 और टाइम दे रखा कितना आपके 1 ईयर। ये हो जाएगा 60,000 × 106/100। तो 20 से 20 कैंसिल करो मल्टीप्लाई, 2 0 का 2 0 6 3 36 और 6 5 6, ये हो गया। अब यही चीज़ सेम आपको 1 साल के लिए करना है। ये कितना साल के लिए करना है आपको, 1 साल के लिए करना है। तो देखो बी वापस करेंगे, टाइम जो है ना वो दे रखा है 1 ईयर और कंपाउंड टेस्ट है वो हाफ ईयरली। क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था कितना होंगे, 2 ईयर सेम, बस यहाँ पर एक ज़्यादा आएगा। अब अगर आपको अमाउंट फाइंड करना है तो P × 1 + R/100 की पावर t, ये दे रखा है 60,000, सेम है पूरा कंप्लीट, बस यहाँ पर 2 साल है। तो आपको क्या करना, 2 बार लिखना है 106/100 और 106/100, ये 40 से ये 40 कैंसिल। अब 6 × 106 × 106 तीनों को आपस में क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 67,416। ऐसे आपको एक बार टाइम लेना है 6 मंथ का, एक बार टाइम देना है 1 ईयर का, और ये हाफ ईयरली है तो रेट होगी हाफ और टाइम होगा डबल। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरिफ है जिसने लोन लिया 80,000 का, रेट है 10% और टाइम दे रखा आपके 1.5 ईयर का। अब बताना है कंपाउंड एनुअली और कंपाउंड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में कितना ब्याज लगेगा और एनुअली में कितना ब्याज लगेगा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 6,
आरिफ है जिसने लोन लिया है, तो लोन कितने का लिया है? 80,000 का। और जो रेट दे रखा है वो दे रखा है आपके 10%, और जो टाइम दे रखा है वो है आपके 1.5 ईयर। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दो तरह का है, पहले तो है, फर्स्ट तो है आपके एनुअली, एनुअली कह दो या फिर आप ईयरली कह दो, ये की बात है, इसे ईयरली भी बोलते हैं। और सेकंड वाला जो है वो है आपके ये 6 मंथ हाफ ईयरली है आपके, ये है आपके हाफ ईयरली और ये है आपके ईयरली, एनुअल कह दो ईयरली। तो आपको पहले ऐसा करो, अमाउंट डिफाइंड कर लो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T, ये तो है आपके 80,000, और 1 प्लस R जो है वो दे रखा है 10/100 की पावर 1.5 ईयर। अब ये तो हो गया है आपके 80,000। अब ये इसका ध्यान रखना, हाफ जो है ना इसको अलग अलग लिखना है आपको, 100 ये कितना है, 100 प्लस 10/100। अब यहाँ पर 1 है ना, 1 को 1 लिखना है, और पीछे क्या करना है आपको, इस हाफ लिखा हुआ 1/3 हो, 2/3 हो, कुछ भी लिखा हुआ ना उसको आपको 1 लिखना है, और 10 का हाफ कर देंगे, 10 का हाफ कितना होता है, 5, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब एक साल तो आपको लगेगा, पूरा ब्याज एक साल लगेगा, आधा ब्याज क्योंकि आपके टाइम का मैंने, तो आधा ब्याज लगेगा। ये आएगा आपके 80,000 इंटू 110/100 इंटू 105/100, तो 40 से 40 क्या हो गया आपके, 10 सेल। अब आपस में करो यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया आपके 880 इंटू हो जाएगा आपके 105, कर दो मल्टीप्लाई, 0 इसका 0 हो गया, आप 88 इंटू 5 करेंगे तो ये होता है आपके 440, फिर 0 आ जाएगा, फिर 880, ये 4 भी लिख सकते हो चाहो तो, 0 है तो इसलिए 88 और 4 कितना हो जाएगा आपके 92। सही मल्टीप्लाई करते ना, ये वाला आंसर आपके आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया है आपके, ये किसका आया है आपके, ये आया है एनुअल लोन। तो अब हम लेते हैं 6 मंथ का लेते हैं। अब आपके अमाउंट सेम है 80,000, बस हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में क्या होता है, तो टाइम होता है ना, जितना टाइम होता है उसको पहले सही कर लो, ऐसे 2 + 2 + 1 कितना होता है, 3/2। टाइम को तो करेंगे डबल, और जो रेट है उसको करेंगे हम हाफ, ये कट गया, तो कितना आ गया आपके टाइम, पहले टाइम 1.5 साल का था, अब टाइम क्या हो गया आपके 3 साल का हो गया, और रेट भी आपके हाफ हो गई। अमाउंट फाइंड करना है तो ये हो जाएगा पी 1 + R/100 की पावर आ जाएगी टी। हमने उधार लिया कितना, 80,000, फिर आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस रेट है वो कितना हो गया आपके 5/100 की पावर, टाइम हो गया आपके 3। अब यहाँ पर 80,000 इंटू ये 100, तो ये भी 100, 100 + 5 = 105/100, 105/100, 105/100, दोनों में ही 5 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ 21 टाइम, तो यहाँ पर 20 टाइम, 21 टाइम, 20 टाइम, 21 टाइम, 20 टाइम। अब यहाँ पर देखो 30 से 30 कैंसिल, और 222 से ये 8 कट गया, देखो 30 और 8 चला गया, अभी बस 1 0 बचा हुआ है ओनली। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यहाँ पर 21 × 21 = 21 होता है 9,261, और 0 का 0। तो अगर आप 6 मंथ ही लोगे तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप पूरा 1 साल दोगे तो इतना, ब्याज ज़्यादा आ रहा है इधर, इधर ब्याज ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ब्याज पर ब्याज दे रहे हैं, यहाँ पर हमें 3 बार ब्याज देना पड़ रहा है इस कारण, तो ये उत्तर ज़्यादा आएगा आपकी। अगर डिफरेंस निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो, वहाँ 400 और 600 210 रुपये आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप हाफ ईयरली करते हो तो। मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन ए बिजनेस, बिजनेस में 8,000 रुपये लगाते हैं,
रेट दे रखा है 5% और कंपाउंड एनुअली है। अब ये दो चीज़ें इसमें पूछी है, पहली द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट, अमाउंट क्रेडिट कितना होगा अगेंस्ट नेम ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, 2 साल बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बताना है। दूसरा पूछा है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ओनली थर्ड ईयर का पूछा है, केवल थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्या करना है आपको फाइंड करना है, थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट आपको चुकाना है वो बताना है, कितना इंटरेस्ट लगेगा आपके। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिंसिपल जो है वो दे रखा है आपके कितना, 8,000, जो रेट है वो दे रखी है आपके 5%। अब इसमें कंपाउंड एनुअली है और यहाँ पर पूछा है कि कितना अमाउंट जमा होगा सेकेंड ईयर में कितना होगा ये बताना। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहो तो 2 साल का एक साथ निकाल सकते हो या चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो मैं फर्स्ट ईयर का निकालता हूँ पहले, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PTR/100, एक एक साल का निकालो ऐसे निकालना पड़ेगा आप। तो पी कितना हो गया, 8,000 इंटू 5 इंटू रेट कितना है आपके, रेट हो गया है, रेट तो 5 है, टाइम आपको एक एक लिखना है हर बार, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बताओ इंटरेस्ट कितना है, 5, 8, 5 जो 40 कितने रुपए है, 400 रुपये है। सेकेंड ईयर का निकालते हैं, तो सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इसको दोनों को साथ में ऐड करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का पी निकालना पड़ेगा पहले, तो 8,000 + 400 कितना हो गया, 84,000। अब हमें निकालना है सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो फॉर्मूला वही हो जाएगा PTR/100, तो टाइम ये 8,000 है, टाइम तो एक एक साल ही लगेगा, रेट जो है वो 5 है और ये कितना है, 84/100 क्या हो जाएगा, 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपके 420 रुपीज़। अब अगर आपको थर्ड ईयर का पी निकालना है तो ये हो जाएगा आपके 8,400 + 420, ये हो जाएगा आपके 8,820। तो एक तो हो गया यहाँ पर ये आंसर कि 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो ये 2 साल बाद हो गया। अब ये पूछ रहा है कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताओ, क्या पूछ रहा है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताओ, तो अगर आपको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला वही लिखना है, PTR/100, केवल थर्ड ईयर का ही निकालना है, ये इंटरेस्ट ओनली सेकेंड ईयर का है, ये इंटरेस्ट ओनली फर्स्ट ईयर का है, और अब यहाँ इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रुपए लेने, इस बार आपको ये रुपए लेने पड़ेंगे, 8,820 × 1 ईयर × 5 रेट/100, 2 जीरो से देखो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम, तो 8,82/2 तो ये हो गया 441 रुपीज़, इतना ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो दो उत्तर निकालने थे, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तीसरा ओनली थर्ड ईयर इंटरेस्ट बताना है, तो दोनों चीज़ें हो गई इसमें। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 8th, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें अमाउंट भी फाइंड करना है और CI भी फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, 10,000 1 1.5 ईयर के लिए 10% per annum कंपाउंड हाफ ईयरली होगा, तो आपको आधे साल का ब्याज देना, तो इसमें क्या होगा टाइम हो जाएगा डबल, मतलब 1.5 साल का हो जाएगा 3 साल, और जो रेट है वो हो जाएगी हाफ, वुड हैज इंटरेस्ट मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ वाज कंपाउंड एनुअली, अगर यही चीज़ एनुअली होती तो क्या फ़र्क होता, बस ये बताना है, कंपाउंड और हाफ ईयर दोनों बताने हैं आप। अगला देखो आपके दे रहे क्वेश्चन नंबर जो 8th है उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल दे रखा है आपके 10,000, टाइम जो दे रखा है वो है 1.5 ईयर दे रखा है, और जो रेट दे रखी है वो दे रखी है आपके 10%। अभी ये हाफ ईयरली, हाफ ईयरली क्या होता है, रेट हो जाएगी हाफ, तो टाइम है ना वो हो जाएगा आपके डबल, 1.5 साल का हो जाएगा 3 साल, 1.5 ईयर का हो जाएगा डबल 3 ईयर, याद ऐसा कर देना, 2 × 2 + 1 = 3, 3/2, तो 2 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3 ईयर हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, इसका अमाउंट फाइंड करते हैं और इंटरेस्ट भी फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला है P × 1 + R/100 की पावर क्या आ जाएगी आपके टाइम। अब यह तो है आपके 10,000 और 1 + R कितना है, R है आपके 5, टाइम वो हो गया है आपके 3,
ये हो जाएगा आपके 10,000 इंटू 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100। अब तीनों में 25 का डिवाइड कर दो, 5 का डिवाइड करेंगे तो 21, 20, 21, 21 और 30 से 30 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये तो है आपका 10, और ये मल्टीप्लाई करने मैंने बताया हुआ बार बार, 9261 अपॉन 8, ये आ जाएगा 92,610 बटा 8। अब 8 का भाग दो, पहले जाएगा एक बार, फिर जाएगा एक बार, फिर जाएगा आपके कितनी बार, 5 बार, ऐसे ही आपको आगे आगे डिवाइड करना है, फिर 7 बार, फिर 6 बार, फिर 0.25। ये तो हुआ आपके अमाउंट। अब आपको अगर इंटरेस्ट भी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, ये जो रुपए दे रखे हैं इसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर देना, तो हमारे से हो जाएगा 1576.25 रुपीज़। अब ये कह रहा है कि यही चीज़ सेम अगर आपके एनुअली होता तो क्या होता, अगर एनुअली होता यही चीज़ सेम तो हम क्या करते हैं, बस यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर रेट वही रहती है, यहाँ पर 1.5 साल होता, तो आपको पता है 10 और 1.5 साल है, तो हमें क्या करना है, ऐसे ही करना, सेम रुपये कितने दे रखे हैं आपके, 10,000 इंटू, इधर देखो 105 क्या है, 1 + 5/100 की पावर 1, जो यहाँ तो लगेगा आपके 10 और यहाँ पर क्या लगेगा आपके 5, क्योंकि ये है 10,000 इंटू 1 + 10/100 की पावर 1, 1/10, तो एक बार तो 10 लगेगा और एक बार कितना लगेगा आपके 5, क्योंकि हाफ है ना, 10 का हाफ। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 10,000 इंटू 110/100 इंटू 105/100, 40 से 40 कैंसिल, कर दो मल्टीप्लाई, 0, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, ये हो गया। अगर ये तो अमाउंट है, अगर आपको सी आई फाइंड करना, क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 10,000, तो कितना आएगा, 1550 रुपीज़। पहले कितना आ रहा था, 1576, कितना फ़र्क आया, 26.25 रुपये का फ़र्क है, क्योंकि जितना ज़्यादा किस्तें होंगी, जितना ज़्यादा ये होगा टुकड़े, जैसे 3 टुकड़े हैं तो ज़्यादा ब्याज बनेगा, जितना कम होगा उतने ही आपके कम ब्याज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4,096 रुपीज, इतना इसने अमाउंट है, लोन है, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना है, इतना लोन लिया है, 18 महीने है, रेट दे रखी है और कंपाउंड हाफ ईयरली लिखा है, क्या कहा है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली क्या होता है, टाइम तो डबल और रेट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9th क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है 4,096, टाइम है वो दे रखा है 18 मंथ दे रखे हैं, अब पता, मैंने अभी बताया था टाइम को क्या करना पड़ेगा, डबल, डबल टाइम करते ही कितना हो जाएगा, 36 मंथ हो जाएगा, मंथ को ईयर में बदलना है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपके 3 ईयर। फिर है इसके बाद आपके पास रेट दे रखी है, रेट है 12 1/2, तो यहाँ पर आपके 12 2 जा 24, 24 + 1 25/2, इसको हम हाफ कर देंगे, हाफ करने पर क्या आएगा, 25/4%, देखो हाफ किया मैंने, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब आप चाहो तो पॉइंट ऑफ निकाल सकते हो, इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना तो ये आता है 6.25%, ये भी राइट है और ये भी राइट है, आप इच्छा हो तो लिख सकते हो। अब अगर आपको फाइंड करना है अमाउंट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 + R/100 की पावर कितनी हो गई है, टाइम, रुपए कितने हैं, 4,096। अब देखो 1 का 1, आपको क्या अच्छा लगता है वो लिख सकते हो, ये लिखोगे या ये लिखोगे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं ये लिखता हूँ, देखो पॉइंट वाले भी लिख सकते हो, अगर आप ये वाला लिखते हो ऐसा लिखना पड़ेगा, आप 25 ऊपर और 4 नीचे लिख देना,
इनटू यहाँ पर क्या लिखा है और डिवाइड में क्या है 100 भी है, और टाइम है वो कितना दे रखा है आपके 3 साल का दे रखा है। अब ऐसे करना है आपको, देखो अब यहाँ पर कितना है बताओ 400, ये 400 तो ये भी कितना होगा 400, 400 प्लस 25 425 अपॉन 400, 425 अपॉन 400, 425 अपॉन 400। अगर यहाँ 400 है तो ये भी 400 कहलाएगा, 400 प्लस 25 कर देंगे ऐसे। अब देखो 4 4 4 क्या होता है, 4 4 64। अच्छा तो 5 का डिवाइड कर दो पहले, अच्छा रहेगा 5 का डिवाइड कर दो दोनों में, 5 का डिवाइड यहाँ जाता है 80 टाइम और 5 का डिवाइड यहाँ जाता है आपके 85 टाइम, 80 टाइम 85 टाइम, 80 टाइम और जाता है डिवाइड तो और कर सकते हो, नहीं जैसा कर लो 8 8 जा 64 64 इंटू 8 और करेंगे तो अच्छा तो डिवाइड भी कर सकते हो सीधा 8 का डिवाइड कर लूँ कि और जाता है 5 का डिवाइड कर लो और 16 यहाँ पर 17 17 17। अब देखो 4096 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 नीचे क्या आ रहा है 16 इंटू 16 इंटू 16। अगर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है आपके, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना ये आता है, इन तीनों गुणा करोगे ना यही आएगा, और ये कट गया हमारा आंसर क्या आया 17 इंटू 17 इंटू 17। अब तीनों को आपस में गुणा करना है आपको, रफ में कहीं भी गुणा कर सकते हो, ये आता है 4913 रुपये। काटने से क्या है थोड़ा बहुत आपके इजी हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।